हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी अगेन। और मैं हूँ आपका दोस्त वीना कुमार सिंह। सब लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ कितना जाएगा, तो बेसिकली कट ऑफ जो है वो बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो मतलब गेस है, जैसे कि मेरे कॉन्टैक्ट में जितने लड़के हैं अभी तक जो भी जनरल या OBC के, उन्होंने जैसा अपना स्कोर बताया है, OBC का मोस्टली 190 197 ऐसा आया है, और जनरल्स का जो है 208 210 यहाँ तक कि 220 तक के लड़कों ने स्कोर किया है। तो आप इन मार्क्स से ये समझ सकते हैं कि ये मेरे सर्कल की बात है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होता है, तो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। मेरे सर्कल के बच्चे जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो 190 टू 220 स्कोर कर रहे हैं। ऐसे में आपको पता है 50-50 सीट है, तो उस हिसाब से जो है OBCs के लिए तो ठीक है। जर्नल्स के लिए जो है कट ऑफ ये 210 से 225 30 तक जा सकता है, ठीक है। इससे कम तो मुझे नहीं लगता होगा, ठीक। तो जर्नल्स के लिए जो है वो आप 210 से ऊपर ही मान के चलिए। अगर कट ऑफ 225 30 पहुंच जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और OBCs के लिए भी जो है इस बार चीज़ें टफ हो सकती हैं, और उनका भी करीब 190-195 से ऊपर यह कट ऑफ जा सकता है। और अगर 210 बस पहुंच जाए OBCs का भी, तो भी बड़ी बात नहीं होगी। तो कम मान के चलिए 190 OBCs का, ठीक है। और ज़्यादा कितना भी जा सकता है, 210 प्लस भी जा सकता है। वहीं जनरल्स का 210 से प्लस ही रहेगा जहां तक मेरा अनुमान है। और अगर ये 230-235 भी पहुंच जाता है जनरल्स के लिए, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये था ऐसा कट ऑफ। बाकी तो कट ऑफ बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। केवल ऐसा नहीं है कि जो भी आपने ऐसा पेपर, जब पेपर के बारे में बता दूँ, पेपर जो आया था वो हर बार की तरह आया था। मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे, लगभग वैसा ही क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। जैसा प्रीवियस में आते गए हैं वैसा ही क्वेश्चन से सारे, बस यहाँ पे शफलिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे पिछले पेपर्स में आपको क्या था कि एल्गी फंजाई या ट्रेडोफाइट ब्रायोफाइट के क्वेश्चंस लगे होते थे, कोई भी सेट हो, सेट वन सेट टू सेट थ्री, वहाँ पे क्वेश्चंस लगे हुए होते थे। 4-5 क्वेश्चन लगातार आपको फंजाई के मिलते थे, लगातार आपको एल्गी के मिलते थे। पर इस बार क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, इसमें शफलिंग अच्छे से की गई थी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता था क्वेश्चन काफ़ी दूर दूर पे थे, जैसे एल्गी का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, और फिर दूसरा जाके आया 12 नंबर पे, फिर 15 नंबर पे, फिर 30-35 नंबर पे, ऐसा तो एक सीक्वेंस में नहीं था। इसलिए पेपर को आप देखेंगे तो आप गेस नहीं कर पाएंगे जल्दी कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लगभग उसी पे आया था, क्वेश्चन काफ़ी रिपीट थे पिछली बार की क्वेश्चन पे, देखा 15-20 से रिपीट थे, कुछ गलत भी थे उनके लिए। लोग जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे अपना, ठीक है, उनका क्लेम करने का भी ऑप्शन था उसमें। और क्लेम करने से आप क्या होगा, वो अगर आपने नहीं क्लेम किया कोई बात नहीं, बहुत सारे इंडिया में लड़के हैं, कोई ना कोई क्लेम करेगा और वो आपको उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। या तो सबको मिलेंगे जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया है, ठीक। तो ये था कट ऑफ जनरल के लिए, 210 से ऊपर मान के चलिए, 230-235-40 तक पहुंच जाए बड़ी बात नहीं है। OBCs के लिए 190 प्लस से ही ऊपर मान के चलिए, अगर उनका 210 या 15 पहुंच जाता है तो बड़ी बात नहीं है। SC ST वाला अपना इसी हिसाब से निकाल लें कि पिछला कैसा आया हुआ था पेपर, ठीक है। पर इस बार का कट ऑफ जो है ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है प्रिपरेशन करते हैं BHU एग्जामिनेशन की, और काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, और पेपर जैसा कि पिछले फॉर्मेट पे ही आया था तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। पर मैंने देखा बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुई है इस बार के पेपर से, लेकिन काफ़ी लोगों ने अच्छा भी स्कोर किया। तो बेस्ट विशेज है आप लोगों के लिए जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो है वो आंसर की से मैच कराया, उनका मिला है। होप कि आपका हो जाएगा, और आपका होता है तो कैंपस में बॉटनी डिपार्टमेंट में ज़रूर मिलिए, मैं अवेलेबल हूँ यहीं पे, ओके। सो इसी के साथ चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।